हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोके कबूतर परवरी। व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगा अपने कबूतरों को डीवर्मिंग कैसे करते हैं। तो बहुत आसान तरीका है ये, जूपिन नाम की आपको मेडिसिन किसी भी वेटनरी स्टोर से मिल जाएगी, आम वेटनरी स्टोर से। ये एक पैकेट आप ले लें, एक साशे छोटा, बहुत ही माकूल कीमत पर आपको साशे मिलेगा। और ये 5 ग्राम का एक साशे होता है, इसको आपने सिंपली पानी में मिक्स करना है। कबूतरों को प्यासा रखें 3-4 घंटे के लिए, और कोशिश करें उनको भोरे डाल दें रोटी के, तो वो ज़्यादा बेस्ट है ये पिलाने से पहले। तो ये 5 ग्राम की पैकिंग है, ये 1 ग्राम 50 किलो वज़न को लगता है। तो मेरे पास मिसाल के तौर पर मेरे पास अब तकरीबन 150 कबूतर है, तो ये तकरीबन 2.5 ग्राम 2-2.5 ग्राम मेरे कबूतरों को लगेगी। तो ये मैं इस्तेमाल कराता हूँ अपने कबूतरों को, साथ आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ और इसके फ़वाद भी आपको बताता हूँ। जी व्यूवर्स, ये पानी की बाल्टी जैसे जैसे भर रही है, ये साथ में साशे भी इसको ऐड करता रहूँगा। थोड़ा सा जो है मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। एक आधे सेकंड के लिए इसको मिक्स होने देंगे, उसके बाद ये कि इसको अपने कबूतरों को डाल देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ प्लेट के। अच्छा फ्रेंड्स, डीवर्मिंग करने से पहले, पानी डालने से पहले आप अपने कबूतरों को कोशिश करें ये भोरे डालें। ये मैंने भोरे बनाए हुए स्पेशल शक्कर वाले और बाजरे की रोटी वाले, ये अपने कबूतरों को डाल दें, पानी उठा दें। व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं भोरे कबूतर खा चुके हैं और अब ये प्यासे हैं, सिर्फ पानी का वेट कर रहे हैं। तो ये अब डीवर्मिंग वाला पानी मैं इनके आगे रखूँगा। तो ये आप देखिएगा ये कैसे पी हो। लेडीज व्यूअर्स, ये आपके साथ तरीका मैंने शेयर कर दिया। लेडीज व्यूअर्स, ये मैंने आपके साथ डीवर्मिंग करने का तरीका शेयर कर दिया। तो जी व्यूअर्स, ये आपके साथ मैंने डीवर्मिंग करने का तरीका शेयर कर दिया। अब डीवर्मिंग के कुछ फ़ायदे भी आपको बता देता हूँ, साथ साथ आप देखें कबूतर किस तरह से पानी को पी रहे हैं और अपने बच्चों को भी डिलीवर कर रहे हैं। तो डीवर्मिंग का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि कबूतरों के पेट के अंदर कीड़े बन जाते हैं कुछ, सिर्फ कबूतरों के नहीं, हर जानदार के, बकरियों के भी और भैंसों के भी, हर मतलब जानदार के, इंसानों के इवन। लेकिन ये जानवरों का ज़रा ज़्यादा खर्चा होता है क्योंकि ये ज़रा गंद वगैरह में रहते हैं थोड़ा ज़्यादा, बनस्बत इंसान हाइजीन का उस तरह से ख्याल नहीं रख सकते। तो ये डीवर्मिंग जोन सी है ना, ये हमें कम से कम 3 महीने में एक दफ़ा तो लाजमी करनी चाहिए, मतलब साल में 3 से 4 दफ़ा लाजमी अपने कबूतरों की, अपने जानवरों की डीवर्मिंग करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि पेट के कीड़े मर जाते हैं, कबूतर जोन से वो आपके एक्टिव हो जाते हैं, सुस्त नहीं होते, और उन कीड़ों की वजह से जो दीगर बीमारियां होती हैं जो ज़्यादा ज़ोरावर हो जाती हैं कबूतरों के ऊपर, वो नहीं हो पाती। बदलते मौसम में ख़ास तौर पे डीवर्मिंग करें। और फिर सबसे जो मुझे अच्छी बात लगती है कि आपके कबूतरों को कोई भी, फिर आप मल्टी वाइटामिन देते हैं, कोई भी वाइटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, वो बहुत जल्दी लगते हैं उनको, उनकी सेहत बहुत बरकरार रहती है। जाहिर सी बात है, जब उनका एक अंदर का सिस्टम सारा साफ़ हो जाएगा तो फिर आप उन्हें जो भी खुराक देंगे वो उन्हें लगेगी। अदरवाइज़ आप जो मर्ज़ी उन्हें सोना भी डालते रहें बेशक, जब कबूतर के अंदर से ही वो सारा निज़ाम डिस्टर्ब है तो वो उसे लगेगा ही नहीं। आप इस वजह से फिर परेशान होंगे कि जी कबूतरों को तो मैं बड़ी केयर करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा। उसकी वजह यही होती है अक्सर कि डीवर्मिंग नहीं हुई होती आपके किसी। तो डीवर्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे डीवर्मिंग कुछ फ़वाद। हमेशा वैक्सीनेशन से भी पहले डीवर्मिंग करनी चाहिए, बदलते मौसम के साथ डीवर्मिंग करनी चाहिए, और
ब्रीडिंग में खास तौर पे ब्रीडिंग के दौरान करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी ये पानी डिलीवर करते हैं तो बच्चों की भी एक तरह से डीवर्मिंग हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह ताला फिर एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।